बिटिया घूम जाओ उधर को अंगूठा लगा बेटा मुन तो चल मंच पर पहुंचकर ध्वजारोहण करेंगे सभी उपस्थित सदस्य एवं अतिथियों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है फूल मालाओं और बुक्के से अतिथि महोदय का स्वागत किया जा रहा है। जसपाल सिंह गिल एसडीएम बिलासपुर का स्वागत कर रहे हैं। हमारे अतिथि महोदय इसके बाद गुज्जर कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देवघर की छात्राएं और विभिन्न मॉडल स्कूल की छात्राएं और बैंड धुन के साथ मॉडल स्कूल के छात्र तैयार हैं। तो माननीय महोदय श्री जसपाल सिंह गिल जी एसडी बिलासपुर परेड का निरीक्षण लेंगे। सभी आपके पास आज का तिहत्तरवां गणतंत्र दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बिलासपुर के प्रांगण में मनाया जा रहा है और माननीय महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस के वीर और बहादुर जवान हरियाणा अपना संदेश देंगे। माननीय महोदय से निवेदन उपमंडल के अधिकारीगण पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चों आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था।
इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूँ। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। मैं आज इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जांबाज जवानों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा से है। भाइयों बहनों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हमें आजादी मिली, तो वहीं दिन रात मुस्तैदी से देश की सीमाओं की निगेबानी करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी यह आजादी सुरक्षित है। आज पूरा देश उनका ऋणी है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। इसी प्रकार आईईडी ब्लास्ट में शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। युद्ध अथवा आतंकियों से मुठभेड़ या किसी अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि निःशक्तता के आधार पर बढ़ाकर 35 लाख रुपए, 25 लाख रुपए और 15 लाख रुपए की गई है। सरकार ने सैनिकों के कल्याण के लिए 8 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने का निर्णय लिया है। इन पर करीब 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल पर 6,197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा रहा है। इसमें 6,309 गांवों को कवर किया जा चुका है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां हेपेटाइटिस सी व बी की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही है। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश में प्रथम स्थान मिला है। हरियाणा ऐसा पहला प्रमुख राज्य बन गया है जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 100% लाभार्थियों को उनके खाते में सामाजिक सुरक्षा की पेंशन भेजी जा रही है। प्रदेश में हर व्यक्ति को उसके घर द्वार पर ही सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। ईपीपी पोर्टल पर अब तक लगभग 72 लाख परिवारों का पंजीकरण हो चुका है। इनमें से अब तक 58,80,000 से अधिक परिवारों का डाटा सत्यापित हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा लगभग 27 लाख लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए की जाएगी। इस योजना के तहत अब तक 1,00,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले लगभग 1,49,000 परिवारों की पहचान की गई है। मार्च 2022 तक 1,00,000 परिवारों के उत्थान का लक्ष्य है। प्रदेश में बीपीएल परिवारों की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए की गई है, ताकि
ज्यादा से ज्यादा परिवारों को गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोविड महामारी के मद्देनजर मार्च 2022 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेड़ी फड़ी वालों को अपना काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 75,000 मकान बनाए गए हैं। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक पेंशन की राशि बढ़ाकर 2,500 रुपए मासिक की गई है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को भी 2,750 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह पर शगुन के रूप में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए तक की राशि दी जा रही है। स्कूल न जा पाने वाले 18 वर्ष के निःशक्त बच्चों को दी जा रही वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1,900 रुपए मासिक की गई है। कोविड 19 महामारी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती उभर कर सामने आई है। इस महामारी से लड़ने के लिए किए जा रहे टीकाकरण में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। हरियाणा में भी युद्ध स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को पहली डोज और 79% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं से 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का भी टीकाकरण किया जा रहा है। इसके तहत लगभग 8,00,000 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। करीब 56,000 लोगों को बूस्टर डोज भी लगवाई जा चुकी है। प्रदेश में सभी कोरोना मरीजों का इलाज व टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ 20 से बाजार तक हर कदम पर उनकी मदद करने का है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। किसानों को 72 घंटे के भीतर उनकी फसलों का भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर किसानों को 9% की दर से ब्याज भी दिया जाता है। वर्तमान सरकार ने गन्ने का भाव बढ़ाकर 362 रुपए प्रति क्विंटल किया है, जो देश में सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत पात्र लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ करने का निर्णय लिया है। 113 नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोले गए हैं। तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU किए गए हैं। हमारे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अग्रणी रहे, इसके लिए सुपर 100 प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यह गर्व की बात है। इसके तहत कोचिंग पाने वाले विद्यार्थी IIT मेंस और NIT जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। यह सब हमारे खिलाड़ियों की लगन और मेहनत और सरकार की खेल नीति का सुपरिणाम है। टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदकों में से 3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में हमारे 2 खिलाड़ी शामिल हैं। महिला हॉकी टीम में 9 खिलाड़ी हरियाणा की हैं, जिन्होंने अपने दमखम और कौशल से सबका मन जीता है। हमारी सभ्यता और संस्कृति के अभिन्न अंग के रूप में पहचान रखने वाली सरस्वती नदी फिर से प्रवाहमान होगी। प्रयागराज को आज भी उस त्रिवेणी के कारण ही तीर्थ कहा जाता है, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। सरस्वती नदी को पुनः धरा पर बहाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए गए हैं और इसी के तहत हरियाणा व हिमाचल के मुख्यमंत्रियों के बीच MOU 21 जनवरी को हुआ है। इस MOU के तहत आदि बद्री क्षेत्र में 341 करोड़ रुपए की लागत से जल भंडारण बांध का निर्माण किया जाएगा।
जिसका पानी सरस्वती नदी में छोड़ा जाएगा और इस तरह सरस्वती नदी निरंतर धरा पर बहेगी। अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए राष्ट्र स्वाभिमान के मौके पर हम देश व प्रदेश के नव निर्माण में अपने पूरे सामर्थ्य से जुट जाने का संकल्प आए हैं। साथ ही हम सब एक बार फिर से राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प दोहराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हरियाणा पुलिस के जवान बैंड के साथ जवानों का हौसला बढ़ाते हुए और हरियाणा पुलिस के टुकड़ी माननीय महोदय को सलाम देते हुए बाकी के सामने से गुजरते हुए और इनके साथ मैं उच्च कन्या वरिष्ठ माध्यमिक उनकी छात्राएं मंच के सामने से गुजरकर माननीय महोदय अपने सामने देते हुए बहन धूम के साथ अतिथि महोदय गवर्नमेंट स्कूल की छात्र में अपने अतिथि महोदय को सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजर रहे हैं और इसके साथ बैंड धुन के बजाते हुए गवर्नमेंट मॉडल सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर के छात्रों की टुकड़ी उत्साह के साथ बैंड धुन बजाते हुए अतिथि महोदय को सलामी देते हुए और उपस्थित सभी Thank you.
Thank you.
के लिए जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी उनमें से एक शहीद हमारा रोकी जो गांव रामगढ़ माजरा से अपने जवान साथियों को बचाने में जिसने अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे वीर शहीद के पिता को एसडीए महोदय द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और उनकी शहादत को प्रणाम किया जा रहा है। हमारे जो शहीद हैं बच्चों को प्रोत्साहित किया। ऐसे हैं चाहे
चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। योगा के विभिन्न कलाकृतियों के माध्यम से उन्होंने मंच पर आसीन बिलासपुर की छात्राएं राजस्थानी झूमर नृत्य प्रस्तुत करेंगी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। उपस्थित बच्चों से निवेदन कि बेटा जब भी बच्चों की प्रस्तुति हो तो आपने तालियों से उनका अभिनंदन करना है और तालियां जोरदार होनी चाहिए। जी हर सारे सभी दानों में तोड़े
बिलासपुर की छात्राएं पंजाबी गिद्धा की प्रस्तुति देगी। जिस जनी को सींचा उन बहादुरों को सलाम है। बहादुरों की सलामी के लिए ही हम आज यहाँ जो हमारे बहादुर वीर शहीद सैनिक हैं, हरियाणवी नृत्य Thank you.
राजस्थानी झूमर नृत्य प्रस्तुत करेंगी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। उपस्थित बच्चों से निवेदन कि बेटा जब भी बच्चों की प्रस्तुति हो तो आपने तालियों से उनका अभिनंदन करना है और तालियां जोरदार होनी चाहिए। द्वारा प्रस्तुत की जा रही है और जिस जनी को खींचा उन बहादुरों को सलाम है। बहादुरों की सलामी के लिए ही हम आज यहाँ जो हमारे बहादुर वीर शहीद सैनिक हैं। आज गर्भ में चीख लगी से।
हरियाणा की चोरी किला खून नहीं वह पानी है, देश के काम में आए जो बेकार वह जवानी है। तो साथियों आपने ताली बहुत कम बजाई, ये आपके लिए था। तो तालियों से की बहुत ही सुंदर अपनी संस्कृति की प्रस्तुति गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटला घटते जा रहे हैं। विकास की दौड़ में वृक्षों का तेजी से नाश होने के कारण आने वाले समय में गंभीर समस्याओं को जन्म देगी, जिसमें पहाड़ सूखा, पर्यावरण प्रदूषण व भूस्खलन जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो उन्हीं संदेशों को देते हुए वन विभाग की झांकी धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है हरे भरे जंगल कहां जैसे गुजरते हुए इसके बाद जन स्वास्थ्य अभियंत्री विभाग मंडल की झांकी, इसमें जल जीवन मिशन की घोषणा
के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक 2022 तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो जल विभाग की ये झांकी कि जल है तो जीवन है, इसी की प्रस्तुति देते हुए मंच के सामने से गुजर रही है। जल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है और उसका भंडारण बार बार नहीं किया जा सकता, प्राकृतिक रूप से ही हम जल को प्राप्त कर सकते हैं। उसी की प्रस्थापित झांकी यहाँ दे रही है और इससे अभी झांकी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 73वें गणतंत्र दिवस 2022 के पावन उपलक्ष्य पर जिला यमुनानगर प्रखंड बिलासपुर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत करवाए गए कार्यों को हैं। इस बारे में बताया गया है कि जिला यमुनानगर को वर्ष 2016 में खुले में शौच मुक्त किया गया था तथा इसी के दूसरे चरण में बिलासपुर खंड की 20 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया था, जिसके तहत इस पंचायतों को गंदगी मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यह झांकी जन साधारण को स्वच्छता का संदेश भी देती है कि अपने आसपास के क्षेत्र को हमें स्वच्छ रखना है, साफ रखना है और किसी प्रकार की गंदगी को हमने खुले में नहीं डालना। तो इसी संदेश के साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यमुनानगर की झांकी आपके सामने से गुजरती हुई मंच के सामने से। इसके बाद उत्तरी बिजली बोर्ड उत्तर हरियाणा बिजली निगम द्वारा अपने उपभोक्ताओं के लिए झांकी आपके सामने है जो 24 घंटे सेवा दी जा रही है, जिसमें उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है 1912 नंबर पर। बिजली विभाग 15 दिन के अंदर बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवा रहा है, विभाग लोगों को निर्बहुत बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर झांकी बिजली विभाग द्वारा प्रस्तुत की जा रही है और मंच से गुजरते हुए इसके बाद जो अगली झांकी है स्वास्थ्य विभाग की झांकी जो कि कोविड के ऊपर बहुत ही सुंदर इन्होंने अपने कार्य वैक्सीनेशन लोगों को घर घर तक पहुंचाई है। प्रत्येक व्यक्ति को उम्र दराज हो या बच्चे हो, 15 से 18 साल के बच्चों को भी टीकाकरण किया गया, स्कूलों में जाके इनके घरों में जाके बहुत ही सुंदर कार्य है स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो बहुत ही सुंदर झांकी स्वास्थ्य विभाग। अगली झांकी महिला एवं बाल विभाग छतरौली माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 5000 रुपए की राशि 180 दिन के बाद दी जाती है तथा तीसरी किस्त 2000 रुपए बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को पेंटा थर्ड का टीका लगवाने के बाद दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिला को उनकी देखभाल के लिए वह स्वास्थ्य में सुधार व नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से कुपोषण को दूर करना है। तो बहुत ही सुंदर झांकी महिला एवं बाल विभाग छतरौली के द्वारा मंच के सामने से गुजरते हुए बहुत ही सुंदर झांकी इन्होंने प्रस्तुत की और अपना संदेश जन जन तक पहुंचाया झांकी के माध्यम से। सभी झांकियां बहुत ही सुंदर ढंग से आपके सामने से गुजरी, आंखों का अवलोकन किया, बहुत ही कर्मठ है और अपना पूरा योगदान इन झांकियों को तैयार करने में दिया है। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो झांकियां समाप्त है। उसके बाद जो हमारा अगला कार्यक्रम है दिया तो उन साथियों का यहाँ प्रशंसा पत्र देकर उनको एसडीएम महोदय सम्मानित करेंगे। श्री धर्मविंदर सिंह गनमैन एसडीएम ऑफिस अनिल कुमार सर थोड़ा सा सुनील जी एसडीएम ऑफिस बिलासपुर मंच पर पहुंचे। श्रीमती मुकेश रानी कंप्यूटर ऑपरेटर एसडीएम ऑफिस बिलासपुर। श्री पवन कुमार सेवादार एसडीएम ऑफिस बिलासपुर। यस इसके बाद श्री विजय वालिया लीडर तहसील छतरौली।
श्री राजीव कक्कड़ तहसील बिलासपुर, श्री विजय वालिया लीडर तहसील बिलासपुर छछरौली, श्री जितेंद्र कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर, सामने भाई सामने। अच्छा श्री कुलदीप कुमार मैम सामने, श्री केशव वर्मा लीडर तहसील बिलासपुर, श्री संदीप सिंह, श्री संदीप सिंह कंप्यूटर ऑपरेटर तहसील बिलासपुर, फील्ड कानून गो तहसील बिलासपुर, श्री दलबीर सिंह एएसआई बिलासपुर, सुरेश पाल रीडर डीएसपी ऑफिस बिलासपुर, श्री सतपाल सिंह एएसआई थाना बिलासपुर, एससी थाना बिलासपुर, थाना बिलासपुर कुमार एएसआई, श्री मुकेश कुमार एएसआई, श्री जितेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, श्री नरेंद्र सिंह प्रबंधक गुरुद्वारा, गुरुद्वारा गति पाठशाही, श्री राजेश कुमार ग्राम सचिव खंड विकास एवं पंचायत बिलासपुर, खंड विकास एवं पंचायत श्वेता राठी आयुर्वेदिक डॉक्टर शैलेंद्र कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, श्री दलजीत सिंह, सभी बच्चे सीएससी बिलासपुर, श्री रजीश एएनएम खड़ोरा, विजय वार्ड सर्वेंट सीएससी सडोरा, अब मैं हरिओम कश्यप जी हमारे जेई साहब हैं बिलासपुर से, उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए, प्रस्तुति पत्र देने में सहयोग करें। श्री प्रिंस कुमावन कुमार लाइनमैन, श्री विकास कुमार सहायक लाइनमैन, वन दरोगा बिलासपुर, श्रीमती मुक्ता देवी जेबीटी बीआरसी बिलासपुर, श्री मोहन कालदार प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, सोनिया जेबीटी Thank you.
एथलेटिक प्रतियोगिता दिसंबर 2017 श्री राकेश को भी बच्चे तालियां बजाते रहे। जो भी प्रतिभागी यहाँ ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट टू युवा केंद्र यमुनानगर श्री विकास स्टोर कीपर श्री विक्रम सेवादार सीएससी बिलासपुर ऑल स्टाफ सीएससी बिलासपुर इन्होंने 100% वैक्सीनेशन का कार्य बिलासपुर में किया, बहुत ही सराहनीय कार्य। अब हमारे पत्रकार साथी अखबार से और मीडिया से जागरण से बहुत ही मेहनती कर्मठ जुझारू साथी हैं हमारे और तजुर्बे वाले साथी हैं हमारे। पंकज जी सामने देखना जी सामने ही सामने सामने संसद जी सामने ही सामने श्री रविंदर चौहान जी अशोक बत्रा जी गुज्जर कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चे रहे, तालियों से बच्चे स्वागत बनते रहे। गुज्जर कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से और इनके साथ आए इनके अध्यापक उनका भी विशेष धन्यवाद और उनको बधाई। वो हमारे हरियाणा पुलिस के साथियों की पाइप तो थोड़ा स्टार्ट हो लेना जी। और श्री संगम सिंह संगम कुमार टीटर बोली इनको भी कोविड काल में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया जाए। स्वच्छ भारत अभियान विभाग के साथी आए पूरा कर लेंगे। स्वास्थ्य विभाग को इस विशेष उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। झांकियों में प्रथम स्थान प्राप्त हमें पता लगा। अगली प्रस्तुति अगले जो प्रोत्साहन है के बच्चे इसके बाद गणपति कॉन्वेंट स्कूल बिलासपुर के बच्चे तैयार रहें और मंच के पास ही रहें। सभी बच्चे बेटा अच्छे से सर आप एक स्टेप आगे आगे न्यू हैप्पी स्कूल बिलासपुर के बच्चों को राजस्थानी झूमर नृत्य के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके बाद नव ज्ञान ज्योति ज्ञापी नृत्य के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी जो कि बहुत ही सुंदर थी। इसके बाद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटला और गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल सढोरा कोटला और मूवमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल सढोरा की छात्राएं जिन्होंने हरियाणा में नृत्य के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी वो बच्चे तहसीलदार बिलासपुर और तरुण सहोता तहसीलदार कचरौली साल भेज करके हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करते हुए बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा आज का हमारा जिसमें 73वां गणतंत्र दिवस समारोह आज के हमारे मुख्य माननीय Yeah.
कुछ चल जल्दी।